टास्क हुआ है, आज प्रेस हुआ आपके सामने जिसे एक्साइज कर रहे हैं अगले महीने के, ठीक है। आप देखते हैं अपन दोस्तों, आज है आपके पास में एक टॉपिक है साइंस का, दूसरे विकार क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें जो बच्चे डेवलप होते हैं, बच्चे का जन्म होता है, उसमें किसी ना किसी प्रकार के कोई ना कोई डिफेक्ट्स आते रहते हैं, जैसे उसके वॉइस रिलेटेड फिजिकल, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टर में कोई चेंजेज आ रहा, ऐसे वाले जो क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं। आज बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की वजह से कौन कौन से ऐसे डिजीज है जो बच्चों के अंदर शो होते हैं, ठीक है। अपन इसके लिए क्या करते हैं, ट्रिक बना लेते हैं। सबसे पहले ये जितनी भी डिजीज होती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, उनके लिए ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। अपनी सबसे पहले दोस्तों इस ट्रिक को अच्छे तरीके से ध्यान से देख लें, ये ट्रिक लास्ट तक एंड तक काम में आएगी। अपने सबसे पहले है अपराधी वाई में, इसलिए अपराधी वाई में A18 एक पर्सन का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, A18 21D P13 K&T को मार दिया। वापस बोल रहा हूँ, एक बार ट्रिक को रिपीट कर रहा हूँ कि अपराधी वाई ने A18 व्यक्ति को, 21D व्यक्ति को, P13 को और K को मतलब T को मार दिया। उसने 5 बार ट्राई किया, उसने 5 व्यक्ति को मारा, 5 ने क्या किया, एक एक बार ट्राई किया, इसलिए लास्ट में क्या बोल दिया अपने, 5 बार ट्राई किया। जैसे इस ट्रिक के अंदर देखा है मैंने, थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट करके दिखाया कि ह्यूमंस के अंदर जो होते हैं, मानव के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल क्रोमोसोम नंबर जो 46 होते हैं, टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 46 होते हैं। इनमें से इधर वाले जो जितने भी डिजीज है, सारे क्रोमोसोम जो लिखे हैं ट्रिक के अंदर, वो सारे हैं अधिकतर वाले, इसका मतलब क्रोमोसोम जो होते हैं 46 है, अब हो जाएंगे ट्राइसो हो जाएंगी, जबकि इधर वाले जो है सारे किसकी कौन से हैं, कमी वाले, मतलब 46 से क्या हो जाएंगे, सारे 45 में कमी में आ जाएंगे। ये जो सारी डिजीज है, बात करते हैं सबसे पहले जो अपने हेड ट्रिक के अंदर अपराधी वाई है, ये पहले नंबर की डिजीज अपने मार्क्स कर रखा है, इसको इंडिकेट कर रखा है। पहली है अपराधी वाई ने, अपराधी वाई का मतलब होगा यहाँ पर अपराधी सिंड्रोम या जेकब सिंड्रोम। डिजीज का नाम क्या हो गया, अपराधी सिंड्रोम या जेकब सिंड्रोम। सबसे पहले इसमें रीजन पूछते हैं, रीजन क्या होता है इस डिजीज का, तो बात करते हैं वाई बोल सकते हैं ट्राइसोमी, ट्राइसोमी का भी मैंने बताया आपको, ट्राइसोमी का मतलब होता है अधिकतर वाले, इसका मतलब 46 से कौन सा नंबर कितने देखिए 47, तो आता है वाई क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से। लक्षण होते हैं इसके अंदर, ऐसे वाले जो बच्चे होते हैं या फिर जो संतान होती है, वो मनुकृति होती है, गोली होती है, ठीक है, ऐसे वाला होता है। अच्छा बात करते हैं आगे, नेक्स्ट डिजीज है अपने एडवर्ड A18, इट मीन्स एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट अपनी एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम जो है अपने, इसका कारण है 18 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। इसका मतलब जो ह्यूमंस के अंदर अपने पढ़ते हैं, 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ऑटोसोम्स एक ऑटोसोम्स। जो ऑटोसोम्स होता है उसमें जो नंबर ऑफ 18 क्रोमोसोम है वो क्या होता है, रिपीट हो जाता है, उसकी ट्राइसोमी बन जाती है, और 18 क्रोमोसोम क्या हो जाता है, इसका रिपीट हो जाता है। जैसे उसमें लक्षण क्या होते हैं, बच्चा जो होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, जो संतान होती है, बंधु होती है, उसके अंदर जो जन्मजात होते हैं, हार्ट और किडनी विकार होते हैं, उसे जन्म लेता है, उसके अंदर जन्मजात हार्ट में किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर रह जाते हैं। आगे अतिरिक्त उंगलियाँ, जैसे हाथ के पैरों के अंदर जो उंगलियाँ थी, जैसे 5 की वजह से 6 उंगलियों का डेवलप होना, ऐसे वाली कंडीशन आ जाती है इसके अंदर। अच्छा इसमें विशेष है इसकी, ये जो रोग होता है आपका एडवर्ड रोग जो है, ये 6000 बच्चों में से एक बच्चे में शीघ्र होता है। एडवर्ड सिंड्रोम रोग जो है वो 6000 बच्चों में से एक बच्चे में लक्षण दिखाई देते हैं। अच्छा इस रोग से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, शिशु जो जन्म लेता है, उसकी अधिकतम आयु जीवन काल जो होता है 6 माह होता है। 6 माह के बाद बच्चा एक्सपायर हो जाता है, बच्चा बच नहीं पाता। इसके बाद इसको छोड़ने के बाद देखते हैं अपना आगे, तीसरा है अपना, तीसरी विकार है अपना, डिसऑर्डर है अपना D21 मतलब डाउन सिंड्रोम। विकार कौन सा हो गया अपना, डाउन सिंड्रोम। इसका साइंटिस्ट भी है उसका जो है, जिसका और जो इसका लैंगडम डाउन है, उसको सबसे पहले खोजने वाला व्यक्ति था लैंगडम डाउन। बात करते हैं कारण क्या है इसका, 21 से 270 की ट्राइसोमी, इसका मतलब जो ऑटोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं, उन ऑटोसोम्स में 21 मार्क्स नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसको क्या होता है, रिपीट हो जाता है, उसको बोला जाता है 21 से 270 की ट्राइसोमी। बात करते हैं इसके लक्षण, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके PMT में या फिर कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। इसे एक डिजीज होती है जिसके, जिसे कहा जाता है मंगोलिज्म, छोटी गर्दन होती है, गर्दन थोड़ी सी कम हाइट होती है, इसके अलावा मोटी जीभ और जीभ की जो आकृति भी थोड़ी मोटी हो जाती है, ठीक है। निचले पोर्स जो होते हैं वो फटे हुए होते हैं, या निचला होते होता है, लटका हुआ होता है, ठीक है, मजबूती बच्चा पैदा होता है। ऐसे में जो डिजीज होती है उस बच्चे को बोला जाता है मंगोलिज्म बोला जाता है, तो बच्चा पैदा होता है उसको बोला जाता है मंगोलिज्म। अच्छा इसकी उत्पत्ति जो होती है मतलब डाउन सिंड्रोम जो होता है, लगभग 600 बच्चों में से एक बच्चे में दिखाई देता है। इस रोग के लक्षण 600 बच्चों में से एक बच्चे में दिखाई देते हैं।
इस रॉ की स्पेशल बात ये हो, या इस डाउन सिंड्रोम से संबंधित जो बच्चे पैदा होते हैं वो अधिकतर होते हैं उन महिलाओं के अंदर जिनके अंदर क्या होता है, वो 40 की उम्र के पश्चात क्या करती है, प्रेगनेंसी एक्सेप्ट करती है, मतलब 40 के बाद में बच्चे को जन्म देती है, तब ऐसे वाली सिचुएशन आ जाती है कि 16 से एक बच्चा क्या होता है उसमें डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड हो जाता है। आगे बात करते हैं, अगला है अपने डिक के अंदर 21D के बाद में है P13। P से मतलब रहा अपने को यहाँ पर पटाव सिंड्रोम, कौन सा पटाव सिंड्रोम। बात करते हैं इसके अंदर मैथी नंबर एंड ये है 13, जिसका मतलब होता है मतलब 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, 13वां गुणसूत्र जो है इसमें क्या होता है रिपीट हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में इसे कहा जाता है पटाव सिंड्रोम। बात करते हैं ऐसे वाले बच्चों के लक्षण जो होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं अधिकतर जो लोग उससे रिलेटेड है सबको मंदबुद्धि अधिकतर आता है। इसके अलावा ओपी बोर्ड कटा हुआ होता है, ओपी बोर्ड होता है बच्चे का जो शिशु का कटा हुआ मिलता है। इसके अलावा जन्मजात रक्त का हृदय विकार होता है उसको ब्लड या फिर अपन बोल सकते हैं जैसे हार्ट जैसे कोई डिसऑर्डर वगैरह डेवलप हो जाते हैं उसके अंदर। अच्छा बात करते हैं इसके स्पेशल बात पटाव सिंड्रोम में, ये जो होता है जीवन काल जो होते हैं अधिकतर जिन बच्चों का जो अधिकतम जीवन काल होता है वो 3 माह का होता है, बच्चा 3 माह से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाता है पहले की एक्सपायर हो जाती है। अच्छा उसके बाद में अपने ट्रिक में देखा वापस बोलते हैं अपराधी वाई में A18, 21, DK, P13। उसके बाद में आता है के, आप नोटिस करें यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गणित की नंबर इसके साथ में एड नहीं है, इसका मतलब ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम से। अच्छा ये भी नोटिस कर रहे हैं कि अभी तक ये क्रोमोसोम जो बढ़ रहे हैं ट्राइसोमी वाले बढ़ रहे हैं, मतलब अधिकतम वाले बढ़ रहे हैं, उसमें लास्ट आता है अपना क्लाइन फिल्ट्रेशन ड्रोम, के का मतलब हो गया क्लाइन फिल्ट्रेशन ड्रोम, तो फिर तो डिजीज हो गया अपने क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। बात करते हैं इसका रीजन होता है मेन और मेन रीजन, जब दोनों किसी के पास नहीं है ट्रीटमेंट इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम, ये होता है एक्स क्रोमोसोम की अधिकता या ट्राइसोमी की वजह से, क्लाइन फिल्ट्रेशन ड्रोम होता है एक्स क्रोमोसोम की अधिकता या ट्राइसोमी से। बात करते हैं ऐसे वाले लक्षण मतलब बच्चे पैदा होते हैं वो ना तो सब प्रकृति के होते हैं तथा पुरुषों में महिलाओं के लक्षण विकसित हो जाते हैं, जैसे इस तरह का आकार का बढ़ना या फिर आवाज़ का महिलाओं की मतलब आवाज़ की तरह गड़बड़ होना, ऐसे वाले जो लक्षण होते हैं ठीक है। अच्छा इसमें आते हैं अपन देखते हैं कि अधिकता वाले रोग है तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो रोगी होता है या जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर नॉर्मल जो होता है 44+ एक्स वाई होते हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है क्योंकि अभी फटाफट एक्स क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है, तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर 47 आ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर एक्स क्रोमोसोम के अगर डबल हो जाएंगे रिपीट ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे टोटल 48 हो जाएंगे। इसके अलावा अगर इसमें और क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं एक्स क्रोमोसोम तो 49 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसमें से इसमें देखा जाए थोड़ा सा नोटिस किया तो यहाँ पे भी एक्स क्रोमोसोम क्या हो रहा है एक्स्ट्रा में आ रहा है, यहाँ पे भी डबल एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा में आ रहे हैं और यहाँ ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें बार काय आती है, बार काय का मतलब होता है किसी फ्लड का रिपीट होना, तो यहाँ एक्स क्रोमोसोम बार बार रिपीट होता है इसको बोलते हैं बार काय प्रस्तुति। तो ये बार काय का क्वेश्चन पूछा गया आपको 2016 के लैंग्वेज सिस्टम पे कि बार काय प्रस्तुति होती है कौन से रोग से संबंधित है, तो रोग से संबंधित है क्लाइन पैटर्न, ये आपके लैंग्वेज सिस्टम 2016 का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं ट्रिक में आया था, अब आते हैं अपने कमी वाले में जिनके अंदर सूत्र की संख्या क्या हो जाती है कम हो जाती है। इसमें पहली डिजीज अगर मतलब 6 नंबर की डिजीज है टी, टी मीन्स होता है टर्नर सिंड्रोम, टी मीन्स ही टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसका कारण क्या हो गया अपने बात किया यहाँ से, जब कोई भी अल्फाबेट यहाँ लिखा हुआ है ट्रिक में उसके साथ में अगर कोई गणित की नंबर नहीं है इसका मतलब अक्ष गुण सूत्र से संबंधित है, इससे संबंधित है अक्ष गुण सूत्र से, और दूसरा ये कमी में आ रहा है इसका मतलब इसमें अक्ष गुण सूत्र की कमी हो जाती है, इस गुण सूत्र की कमी हो जाती है अक्ष गुण सूत्र की, इसका मतलब इसमें सिचुएशन ये आ जाती है कि 44+ अक्ष और लास्ट में 0 मतलब एक अक्ष गुण सूत्र की क्या हो जाती है इसके अंदर कमी हो जाती है। देखते बात करते हैं इसके अंदर लक्षण, लक्षण जो होते हैं ये अधिक ये महिलाओं का होता है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं होता है, इसमें महिलाएं जो होती है अनफिक्सित होती है जो मन बुद्धि होती है नपुंसक प्रकृति की या बंदे प्रकृति की होती है, महिलाओं के स्तन जो होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते, महिलाएं जो होती है गोनी रह जाती है, ऐसे वाले लक्षण जो होते हैं इसमें होते हैं। अच्छा बात करें ये जो होता है ये रोग जो ट्रेनर सिंड्रोम रोग दिखाई देता है ये 2500 से 10,000 लड़कियों में से एक बच्ची होता है, ठीक है सुनिए ये 2500 से 10,000 बालिकाओं में एक बच्ची का होता है। बात करते हैं इसमें सबसे स्पेशल बात कि इसमें बार का एक वस्तु होती है, मतलब इसमें एक्स क्रोमोसोम रिपीट नहीं होता इसलिए बोल सकते हैं बार का एक वस्तु होती है, तो एक को बार का उपस्थित होती है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में नेट वेट से या अपने बात करें, और ये एक जो होता है जिसके अंदर क्या होती है बार का अनुपस्थित होती है। अब बात करते हैं अपने ट्रिक में आगे चलते हैं को मार दिया वापस बोलते हैं अपराधी वाई ने A18, 21, D, T13, K, T को मार दिया, इन 5 व्यक्तियों को मार दिया, उन्होंने मरने से पहले क्या किया उसने 5 बार ट्राई किया, 5 बार ट्राई किया, यहाँ से एक डिजीज डेवलप होती है मतलब अपन ट्रिक में मानते हैं 5 बार ट्राई किया, ट्राई से एक डिजीज आती है जिसका नाम होता है ट्राई टू चेक सिंड्रोम, यहाँ वापस नीचे आते हैं ट्राई टू चेक सिंड्रोम,
मैं